Good morning. Today is 21st of February 2017 and we are going to discuss the articles of the Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला जो आर्टिकल है बाबरी मस्जिद से रिलेटेड आर्टिकल है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे. नीचे जो आर्टिकल है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गवर्नमेंट ने लाल बत्ती के यूज पर बैन लगा दिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इस आर्टिकल से मिल सकते हैं जो कि हम अपने एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हैं. इवन जो ये साइड में आर्टिकल है ये भी इसी टॉपिक पे है, तो दोनों आर्टिकल्स को मिला के हम डिस्कस करेंगे. बीच का जो आर्टिकल है आर के राघवन साहब के द्वारा लिखा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है वैसे देखिए, और ये विजय माल्या के ऊपर में है. विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया यूके के अंदर में, भारत एक्स्ट्राडिशन चाहता है. इनका दो चार्जेस हैं इन पे, एक तो देखिए इन्होंने जो लोन लिया था बैंक से वो नहीं चुकाया, दूसरा इन पे चार्जेस है मनी लॉन्ड्रिंग के, तो एक्स्ट्राडिशन पे ये आर्टिकल है, इसे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. नीचे का जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है देखिए बिग डेटा के ऊपर में आर्टिकल है, किस प्रकार से जो बाहर की कंपनीज है हमारे देश से बिग डेटा को इकट्ठा करती हैं और बाद में उसका यूज करती हैं, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल से हमें मिलेंगे. यहाँ पे जो आर्टिकल है क्या वाटर को प्राइवेटाइज करना चाहिए, तो हर तरह के व्यू डिस्कस किए गए हैं इस टॉपिक पे, लेफ्ट राइट और सेंटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे. साइड में ये जो आर्टिकल है इंडिया और यूरोपियन यूनियन पे है, और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है. चलिए स्टार्ट करते हैं लाल बत्ती के आर्टिकल से. देखिए कंटेक्स्ट तो आपको पता होगा, यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि लाल बत्ती का यूज अभी कोई नहीं कर सकेगा सिवाय कुछ सर्विसेज को छोड़ के, जैसे कि इमरजेंसी सर्विसेज हैं जो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड्स, पुलिस कार्स, इन सभी सर्विसेज में बत्ती का यूज होगा, वो भी लाल नहीं नीली बत्ती का यूज होगा. और इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में चेंज करना पड़ेगा. काइंड ऑफ अच्छी शुरुआत है, जो वीआईपी कल्चर व्याप्त है हमारे देश में उस पर एक प्रकार से ये वार है, अच्छी शुरुआत है. और देखिए लाल बत्ती की बात की जाए तो एक प्रकार से हायरार्किकल स्ट्रक्चर को ये दिखाता था, पावर स्ट्रक्चर को ये दिखाता था. और जब भी पॉलिटिशियंस चुने जाते थे, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2009 की ये बात है जो फर्स्ट टाइम एमपी चुने गए थे, तो चुने जाने के तुरंत बाद में उन्होंने ये मांग की थी कि हमें लाल बत्ती प्रोवाइड की जाए. तो हाल फिलहाल में कुछ दूसरे स्टेट्स ने भी इस प्रकार के डिसीजन को इंप्लीमेंट किया, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पहले से ही लाल बत्ती के यूज को एक प्रकार से लिमिटेड यूज कर दिया गया है, यानी बैन कर दिया गया है काइंड ऑफ. तो देखिए अब दूसरा जो आर्टिकल है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये कम से कम ये डिसीजन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है, यह परसेप्शन चेंज करता है रूलर्स के बारे में और उनको एक प्रकार से दिखाता है कि वो सही में वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनका जो काम है वो पब्लिक को सर्व करना है, ना कि इस प्रकार से रूलर का उनका काम है. जो ब्रिटिश टाइम की जो मेंटेलिटी थी कि हम रूलर हैं और जो नेटिव लोग यानी जो लोकल लोग हैं वो एक काइंड ऑफ सर्वेंट्स हैं, तो उस मेंटेलिटी को ये चेंज करता है. एक टाइम में देखिए नेहरू ने भी कहा था इस कोट को आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हो. तो नेहरू ने एक टाइम में कहा था कि देखिए पीपल का मतलब ऑल पीपल है, लोगों का मतलब है सभी लोग. और उन्होंने अपने बारे में कहा था कि मैं एक प्रकार से सर्वेंट हूँ किसानों का, और यह मेरे लिए हाईएस्ट ग्लोरी की बात है कि मैं अगर उनके लिए कुछ काम कर सकूँ, ये मेरे लिए हाईएस्ट गर्व की बात है अगर मैं किसानों के लिए कुछ कर सकूँ, इस प्रकार की बात नेहरू ने की थी. अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अभय सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रेड लाइट है वो पावर को सिंबल है, एक प्रकार से ये डिफ्रेंशिएट करता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. जो लोग चुने गए हैं वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या फिर जो दूसरे लोग लाल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं ये पावर के सिंबलिज्म है, जो कि नहीं होना चाहिए. और होना यह चाहिए कि स्टेट के लिए सभी लोग बराबर हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी गई है. और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट करता है ये जो लाल बत्ती का कल्चर है. और अगर यह बात की जाए कि ये उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो देखिए दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी सबकी जरूरी है, ना सिर्फ वो लोग पॉलिटिशियन या फिर ब्यूरोक्रेट्स उनके लिए सिक्योरिटी जरूरी है, बल्कि कॉमन मैन की सिक्योरिटी है वो भी जरूरी है. तो सिक्योरिटी सबके लिए जरूरी है. और जो ये मेंटेलिटी है ब्रिटिश टाइम की, और जैसे वो हमने अभी डिस्कस किया कि जो ब्रिटिश ईरा में जो वो समझते थे अपने आप को रूरल समझते थे, और जो नेटिव लोग यानी लोकल लोगों को स्लेव समझते थे, वो मेंटेलिटी आज भी जारी है. और ये बिल्कुल सही शुरुआत हुई है कि लाल बत्ती के यूज को बैन कर दिया गया है. लेकिन देखिए सिर्फ लाल बत्ती के यूज को बैन करने से कुछ नहीं होगा, और भी बहुत कुछ करना बाकी है. ये सिर्फ एक कॉलोनियल टाइम की कैटेगरी है, लेकिन और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं. देखिए एयरपोर्ट्स पे, जैसे आपने कभी मेट्रो में ट्रैवल किया होगा, तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सीआईएसएफ के लोग हैं आपकी पूर्णतया जांच करते हैं, कपड़ों की जांच करते हैं कि आपने कोई चीज़ छुपा तो नहीं रखी, और ऐसी ही जाँच होती है एयरपोर्ट्स पे. लेकिन जो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कई बार इनको एक प्रकार से इस तरह की जाँच से छूट दी गई है. जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी इस प्रकार से जाँच नहीं कर सकते, इस चीज़ को कहते हैं पैट डाउन्स, जो फ्रिस्किंग होती है एयरपोर्ट्स या फिर जो मेट्रोज पे. तो देखिए दूसरे तरफ टोल प्लाजा की बात की जाए तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी तरह की छूट मिलती है, वहाँ पे भी इनको रोका नहीं जाता. ये और भी काफ़ी सारी ऐसे कैटेगरी से जाए इनको अभी भी प्रिविलेज मिलती है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए. जो इंटाइटलमेंट का कल्चर है इस पर टोटली बैन लगना चाहिए.
और अगर देखिए कॉमन सिटीजन्स की बात की जाए, एक तरफ तो पॉलिटिशियंस जो हैं काफ़ी तरह की इंटाइटलमेंट का लाभ उठाते हैं, लेकिन जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनको हॉस्पिटल में एक बेड तक नहीं मिल पाता, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सीट नहीं मिल पाती, और अगर आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना हो तो लंबी कतारों में उनको लगना पड़ता है और बहुत उनका टाइम जाया होता है। वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो देखिए आजकल कल्चर ऐसा है कि किसी भी काम को निकलवाने के लिए आपको किसी बड़े आदमी का जानकार होना जरूरी होता है। तो सर स्टेट को चाहिए कि वो रविंद्र गायकवाड़ अभी इन दिनों फेमस थे, उन्होंने जो एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी वहाँ पे थोड़ा हंगामा क्रिएट किया था और एक जो एम्प्लॉय थे एयर इंडिया को उनको चप्पल से मारा था, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी इस पर क्रिएट हो गई थी। तो आर्टिकल अभी लिखता है कि स्टेट को चाहिए कि वो रविंद्र गायकवाड़ जैसे पॉलिटिशियंस को ना बचाएं जो कि एक प्रकार से इंटाइटलमेंट चाहते हैं स्टेट से, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आप वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करो आम जनता को जिन्हें उनकी आवश्यकता है, उनको जो उनका राइटफुल अधिकार है उनसे उनको वंचित ना रखा जाए, इस प्रकार का प्रोविजन सरकार को करना है। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। विजय माल्या से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए विजय माल्या को अरेस्ट किया गया और उनको कंडीशनल बेल भी मिल गई। एक प्रकार से यह चीज़ आर के राघवन सब कहते हैं कि गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने एक प्रकार से इतने सारे पब्लिक टैक्स पेयर्स के मनी को गबन कर दिया और स्टेट एक प्रकार से डिटरमाइंड है उनको इंडिया लाने में और उनके खिलाफ में ट्रायल चलाने में। इंग्लिश लॉ के हिसाब से देखिए जब अरेस्ट होता है तो हाईएस्ट अकाउंटेबिलिटी की बात है, ऐसे ही अरेस्ट नहीं हो जाता, प्रॉपर जांच के बाद में अरेस्ट होता है, तो काइंड ऑफ यह दिखाता है कि हायर लेवल पे सिक्योरिटी सेक्रेटरी लेवल पे कोऑर्डिनेशन चल रहा है इंडिया और यूके के बीच में माल्या के एक्स्ट्राडिशन को लेके। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन यह होता है कि मान लीजिए जब ऐसा कोई कंट्री है जैसे इंडिया ही मान लीजिए, इंडिया यूके का सेम एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए इंडिया का कोई आरोपी यूके में गिरफ्तार हो गया लेकिन अभी तक उन पे आरोप साबित नहीं हुए हैं, तो इंडिया मांग करता है यूके से कि ये हमारे देश का आरोपी है और प्रॉपर ट्रायल इन पे चलाया जाना बाकी है, तो इस बंदे की यानी इस पर्सन की कस्टडी आप हमें दे दीजिए, हमें सौंप दीजिए ताकि इन पर प्रॉपर ढंग से ट्रायल चलाया जा सके क्योंकि ये इंडिया का मुजरिम है। अगर यूके उसको सौंपता है तो वो ये एक्स्ट्राडिशन कहलाता है। तो ये होता है एक्स्ट्राडिशन। तो इंडिया एक्स्ट्राडिशन चाहता है अभी विजय माल्या का। फिर आता है कि देखिए कोई भी पब्लिक ऑफिशियल इस प्रकार से इररिस्पॉन्सिबल यानी तुच्छ कारणों के कारण या फिर गैर जिम्मेदार ढंग से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता यूके में, तो उनको गिरफ्तार किया गया है इसका मतलब यह है कि काफ़ी सबूत हमने सौंपे हैं और उन सबूतों पे वहाँ की एजेंसीज ने काम किया है, और यह भी दिखाता है कि जो एविडेंस सीबीआई ने इकट्ठे किए हैं उनमें एक प्रकार से दम है, सब्सटांस है। सीबीआई देखिए अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ पे उनको गिरफ्तार करते ही उनको जमानत मिल गई, तो देखिए सीबीआई का इस चीज़ में कोई रोल नहीं है। जब उनको एक बार गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बाद में फिर दूसरी पार्टी होती है उनकी राय नहीं मांगी जाती, और जो जुडिशरी प्रोसीडिंग है वो सिर्फ एक तरफा होती है, और वो जुडिशरी प्रोसीडिंग वो इसलिए थी ताकि वो एक प्रकार से भाग ना जाए यूके को छोड़ के, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में आता कि देखिए कि 17 मई को अब आगे की प्रोसीडिंग होगी, और एक प्रकार से कोई भी बकवास, फ्लिपेंट का मतलब होता है काइंड ऑफ बकवास, कोई भी बकवास मांग या फिर एक प्रकार से मनमर्जी की मांग जो है सीबीआई नहीं रख सकती यूके की जुडिशरी के सामने। एक एग्जांपल देते हैं समीर पटेल का केस का। ये कहते हैं कि देखिए समीर पटेल को गुजरात दंगों में दोषी पाया गया था और ये यूके में चले गए थे, बाद में सीबीआई ने 10 साल के लंबे अंतराल के बाद में वहाँ पे केस चल के और एक सक्सेसफुल एक्स्ट्राडिशन लिया था और ब्रिटेन ने इनको एक्स्ट्राडाइट कर दिया था समीर पटेल को, और आज वही सिचुएशन है वहाँ पे और विजय माल्या का एक्सट्रेडिशन चाहता है। एक ये बात कहते हैं कि देखिए यूके की जो कोर्ट है वो डिमांड कर सकती है डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि वो गवाहों पे नहीं निर्भर रहते जो ज़्यादातर जो यूके की जुडिशरी है, क्योंकि गवाह जो होते हैं वो सीबीआई के कहने पे अपनी गवाही दे सकते हैं, इसलिए जो ज़्यादातर वो प्रोसीडिंग होगी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बेस पे होगी। और अच्छी बात यह है कि इनफ एविडेंस है डॉक्यूमेंट्स के बेस पे और माल्या को एक्सट्राडाइट किया जा सकता है, और माल्या इस तरह की बात कह सकते हैं कि ये टोटली विच हंट है और मीडिया ट्रायल मेरे खिलाफ में चलाया गया है और मुझे इंडिया के कोर्ट्स में जस्टिस नहीं मिलेगा। तो तर्क यह भी जो यूके की जो कोर्ट्स हैं वो भी इस तर्क को समझेंगी, उन्हें भी पता है कि आजकल मीडिया हाइप तो देखिए सभी देशों में होता है और जजेस वो कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस पे। और माल्या इस तरह की मांग कर सकते हैं, माल्या इस तरह की मांग कर सकते हैं कि अगर मुझे एक्स्ट्राडाइट किया जाता है इंडिया के अंदर में तो मुझे फेयर ट्रीटमेंट दी जाए और डेथ सेंटेंस ना दी जाए। तो ये तो देखिए ऑलरेडी सीबीआई ने पहले ही कह दिया होगा कि डेथ सेंटेंस माल्या को नहीं दिया जाएगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में वही आता है कि देखिए दो तरह के चार्जेस लगाए गए हैं, एक उन्होंने लोन नहीं चुकाया और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का। अब देखिए अगर सिर्फ
अगर लोन पेमेंट रीपेमेंट की बात आती तो माल्या को शायद एक्सट्रेडिशन मुमकिन नहीं था, क्योंकि माल्या इस प्रकार की मांग माल्या इस प्रकार की बात कह सकते थे कि देखिए मेरे कॉमर्शियल फॉर्च्यून्स जो है, यानी मेरा बिजनेस ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए मैं लोन नहीं चुका पाया। इसीलिए जो इंडिया और यूके के बीच में है वो एक लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है, यानी यूके ने पहले से सचेत कर दिया इंडिया को कि आप सिर्फ लोन रीपेमेंट पर माल्या का एक्सट्रेडिशन मांगोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस या फिर चीटिंग के अगर कोई चार्जेस हैं तो वो बताओ, इस बेस पे हम उनका एक्सट्रेडिशन करवाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि जुडिशरी जो है वो ये सिर्फ ये मानेंगी नहीं ये बात कि उन्होंने लोन नहीं चुकाया इसलिए उनका एक्सट्रेडिशन कर दी जाए, इसलिए उन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड चीटिंग के चार्जेस भी लगाए गए हैं। तो बात यह है कि देखिए माल्या जो है वो सब कुछ ट्राई करेंगे इस एक्सट्रेडिशन को अवॉइड करने के लिए, बड़े महंगे वकील को हायर करेंगे, तो इंडिया को गवर्नमेंट को भी तैयार रहना चाहिए कि सक्सेसफुली उनका एक्सट्रेडिशन किया जा सके। तो अगला जो आर्टिकल है वो बिग डेटा के बारे में है। सबसे पहले देखिए आपको ये जानने की आवश्यकता है कि बिग डेटा आखिरकार होता क्या है, बेसिक्स पता होगा तभी ये पूरा आने वाला जो आर्टिकल है वो समझ में आएगा। देखिए बिग डेटा ऐसा डेटा होता है जिसकी वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है उस डेटा में और वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल ले लीजिए, बीजेपी है। अब बीजेपी के बारे में देखिए सोशल मीडिया में कितने सारे ट्वीट्स आते हैं, कितने ज़्यादा फेसबुक पे जो है वो पोस्ट शेयर होती हैं, काइंड ऑफ पूरे का पूरे इंटरनेट पे बीजेपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर होती हैं डेली की डेली। तो सबसे पहला देखिए पॉइंट ये है कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं बीजेपी के बारे में, तो ये बीजेपी के सिर्फ एक एग्जांपल के तहत हम बिग डेटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी के बारे में जो डेटा है उसकी वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है इंटरनेट पे, चाहे वो फेसबुक ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, कोई भी आप सोशल मीडिया, स्नैपचैट जो आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, वैरायटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब एक चीज़ तो शेयर होती नहीं बीजेपी के बारे में, कुछ लोग पॉजिटिव में आते हैं, कुछ लोग नेगेटिव में आते हैं, कुछ लोग बीजेपी को राय देते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ इसका आगे फ्यूचर बताते हैं कि क्या फ्यूचर होगा, सॉरी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बीजेपी के बारे में जो डेटा है उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है और वेलोसिटी देखिए कितनी वेलोसिटी से ये बीजेपी के बारे में डेटा बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में हजारों ट्वीट्स हो रहे हैं बीजेपी के बारे में, हजारों जो पोस्ट है वो शेयर हो रही हैं। तो काइंड ऑफ बिग डेटा ऐसा डेटा होता है जिसकी वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा डेटा को आसानी से टैकल नहीं किया जा सकता, आपको आसानी से कुछ टूल्स होते हैं आपके पास में तभी इस बिग डेटा को एक प्रकार से इसकी माइनिंग की जा सकती है, जो कि बड़ी कंपनीज के पास में होते हैं, समझ गए। अब क्या फायदा होता है इसके बारे में, देखिए काफी सारा फायदा होता है। अगर मान लीजिए ये बिग डेटा की जो माइनिंग है बीजेपी सक्सेसफुली कर ले, तो बीजेपी समझ ले कि क्या ट्रेंड चल रहा है मेरे बारे में, पार्टी के बारे में क्या ट्रेंड चल रहा है, लोगों की क्या राय आ रही है, क्या चाहते हैं लोग, क्या पॉजिटिव सेंटीमेंट्स चल रहे हैं कि नेगेटिव सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, तो उसी बेस पे बीजेपी जो है अपनी पार्टीज के डिसीजन ले सकती है। ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल है, कंपनीज का एग्जांपल मान के लीजिए, मान लीजिए सैमसंग का अभी गैलेक्सी 8 लॉन्च होने वाला है, तो उसके बारे में वो डेटा को एनालाइज करेंगे तो वो देख सकेंगे कि किस प्रकार के सेंटीमेंट्स है, क्या लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट का, तो वो रेट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्या लोगों को चाहिए, क्या कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो चेंजेस ला सकते हैं। तो बिग डेटा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है कंपनीज के पास में, तो इसलिए बिग डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब समझते हैं ये आर्टिकल, आर्टिकल कहता है कि देखिए बिग डेटा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा की रिसोर्स है डिजिटल स्पेस के अंदर में, और इसको फ्रीली कलेक्ट किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में, जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप जैसी कंपनीज हैं या फिर और जो कंपनीज हैं वो हमारे जैसे जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं सॉरी, वहाँ पे जो ये बिग डेटा को इकट्ठा करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और एक इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ज़्यादातर जो चीज़ यूज़ की जाती है वो US में यूज़ की जाती है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, अब Uber का एग्जाम्पल समझिए, Uber की जो सबसे बड़ी चीफ एसेट है ना, वो ये नहीं है कि उनके पास में बहुत ज़्यादा कारों का एक नेटवर्क है और जिसे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में वो यूज़ कर रहे हैं, नहीं, उनके पास में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो है डिजिटल इंटेलिजेंस। उन्होंने सारे डेटा को एक प्रकार से ऑब्जर्व किया कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, मान लीजिए अगर एक राइड फ्री दी जाए तो कितने लोग दोबारा भी उसको अवेल करवाते हैं पैसे देके। उन्होंने बहुत सारे तमाम तरह के जो उन्होंने हिट एंड ट्रायल किए उससे उन्होंने काफ़ी तरह का डेटा कलेक्ट कर लिया है कि कस्टमर्स का क्या बिहेवियर होता है, क्या पीक सीजन्स में अगर पैसे बढ़ाएं तो कस्टमर्स उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, जो ड्राइवर्स हैं उनका क्या बिहेवियर रहता है, और कहाँ पे जो है सर्विसेज या मेट्रो सिटीज़ में या फिर कौन कौन सी जगह पे ज़्यादा बढ़िया ढंग से जो है सर्विस की डिमांड ज़्यादा होती है। तो तमाम तरह का जो डेटा है वो उबेर के चीफ ने यानी उबेर कंपनी ने इकट्ठा कर लिया है एक जगह पे। काइंड ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो डेटा जो है वो उनकी सबसे बड़ी एसेट है, ना कि जो नेटवर्क ऑफ कार्स है। नेटवर्क ऑफ कार्स तो कोई भी इकट्ठा कर लेगा,
यानी ये नेटवर्क दोबारा खड़ा करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो डेटा है, जो इंटेलिजेंस है, वो खड़ा करने में बहुत टाइम लगता है। तो काइंड ऑफ इस डिजिटल इंटेलिजेंस को सोशल ब्रेन भी कहते हैं, और यह अभी सिर्फ इस सेक्टर में नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स में है, जैसे एजुकेशन सेक्टर, सोशल सेक्टर, काफी सारे सेक्टर्स में है, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। और देखिए इसी तरह के जो ये कई तरह के सेक्टर्स हैं वहाँ पे इस तरह के डेटा की अगर इंटेलिजेंस है तो उसको यूज किया जा सकता है पॉलिसी मेकिंग में। अब मान लीजिए एजुकेशन के बारे में बहुत सारा बिग डेटा है पब्लिक डोमेन में, कि क्या लोग अपने अपना ट्वीट करते हैं फेसबुक पे या फिर अपने अपने कॉमेंट्स डालते हैं, अगर इनकी माइनिंग की जाए कि लोग किस तरह के एजुकेशन चाहते हैं, एजुकेशन में कमियाँ क्या हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी फ़ायदा होगा। और सोसाइटी, और देखिए क्या अब बात ये उठती है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वही इसके सोशल डेटा, जो बिग डेटा के मालिक होते हैं, मान लीजिए उबर में जो भी डेटा इकट्ठा किया उबर उसका मालिक होगा, व्हाट्सएप ने जो भी बिग डेटा इकट्ठा किया वो व्हाट्सएप का मालिक होगा, तो क्या गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसी मेकिंग बनाएगी तो क्या उनसे वो डिजिटल कंपनी से डेटा मांगेगी, या फिर वही मालिक है उसके? क्या यह भी कोई कानून है कि जो कंपनी डेटा इकट्ठा करेगी क्या सिर्फ वही मालिक है इसका? तो आखिर में ओनर को है कौन इस बिग डेटा का, यह बात है। क्या कोई डेटा सेंसिटिव सेक्टर्स हो वहां पे भी उस डेटा को भी डिफरेंशियली ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स लगाने चाहिए गवर्नमेंट को कि जो डेटा सेंसिटिव सेक्टर्स में होता है क्या उसका रेगुलेशन किया जाए, क्या ऐसा कुछ भी होना चाहिए? तो ये तमाम तरह के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं आर्टिकल के द्वारा में। तो चलिए पहले सबसे पहले इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो बड़े बिजनेस होते हैं ना डेवलपिंग के अंदर में, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर में, यानी जो बड़ी कंपनीज हैं अमीर देशों की, वो हमारे देश में ट्रेड करने के लिए आती हैं, तो वो तीन तरह की डिमांड्स रख रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में एक WTO की यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रेड टास्क हो रही है, तो ट्रेड टास्क में वो कई तरह की मांग कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को इन मांगों को पूरा करना चाहिए। तो कौन कौन सी वो मांगे हैं? पहली मांग ये है कि देखिए कि उनको अनहिंडर्ड एक्सेस मिलनी चाहिए नेटवर्क्स की, यानी बिना रुकावट के उनको सभी इंडिया में जो भी नेटवर्क्स हैं या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में जो नेटवर्क्स हैं उनकी खुली एक्सेस मिलनी चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनके लिए में। या नेटवर्क मतलब ये चीज़ होती है, देखिए डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाए और एक सर्वर हो बीच में, तो काइंड ऑफ ये नेटवर्क हो जाता है। जैसे कोई भी सिंपल कंपनी हो, चाहे उसके सर्वर्स जो हैं वो US में प्रेजेंट हैं, तो उसको आने की आवश्यकता नहीं है इंडिया के अंदर में। ये देखिए लोकल, अब फेसबुक का कोई हेडक्वार्टर इंडिया में थोड़ी है, वहीं है, US में है। लोकल कोई उन्होंने छोटी मोटी ब्रांच इंडिया में बेंगलोर में इस्टाब्लिश करी हो तो वो अलग बात है, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है। वो तो जानबूझ के अपना बिजनेस इस्टाब्लिश करना चाहते हैं तभी उन्होंने ये ब्रांच इस्टाब्लिश की होगी, अदरवाइज वो US से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये जो बड़ी कंपनीज हैं इनको लोकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है, लोकल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, लोकल टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना चाहते ये, और जो स्टैंडर्ड्स जो यानी लोकल स्टैंडर्ड्स टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स की कमिटमेंट्स है उसको भी पूरा नहीं करना चाहते। जैसे कई बार इंडिया जैसे देश हैं कुछ स्टैंडर्ड्स रखते हैं कि आप इस आपकी टेक्नोलॉजी जो है इस प्रकार की होनी चाहिए, इस तरह की कमिटमेंट को वो पूरा नहीं करना चाहते। उनके सोर्स कोड में कोई भी पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए। तो एक तरह से ये इनकी डिमांड्स ये हैं, और ये और भी चाहते हैं कि इंडिया जैसे जो देश हैं वो अपने डिजिटल टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट करने का जो राइट्स हैं उसे छोड़ दें और खुला छूट दे दें, ये कंपनियां चाहती हैं जो बाहर की कंपनीज हैं US की और डेवलप्ड कंट्रीज की। और देखिए कई बार इस तरह की रेगुलेशन की आवश्यकता होती है इंडिया जैसे देश में, कई बार देखिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो इश्यूज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, या फिर लोकल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, या फिर जो दूसरे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हैं जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिस ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कोई भी यूज कर सकता है, तो इन तमाम तरह की चीज़ों के लिए कई बार रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। जबकि ये जो कंपनीज हैं वो तो यूँ चाहती हैं कि कोई राइट होना ही नहीं चाहिए, कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा में, तो वो काइंड ऑफ अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी चाहते हैं। और सबसे पहले तो देखिए हमें ये चाहिए कि आइडेंटिफाई करना है और डिजिटल राइट्स को आइडेंटिफाई करना है, डिजिटल पॉलिसीज को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में ही हम लॉ बना सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं, ओनरशिप ऑफ डेटा। अब दूसरी जो डिमांड है वो क्या है? दूसरी डिमांड उनकी ये है कि एक देश से दूसरे देश में जो बिग डेटा है उसका फ्लो है, या फिर डेटा का जो फ्लो है, बिना रुकावट के होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इंश्योरिंग कंप्लीटली फ्री फ्लो ऑफ डेटा अक्रॉस द बॉर्डर्स, तो वो तो सेम बात है, वो यही चाहते हैं कि इंडिया से जो डेटा है वो ट्रांसफर हो जाए यूरोप में या फिर US में, जहां भी वो कंपनीज इस्टाब्लिश्ड हैं, बिना किसी रुकावट को, और कोई भी सर्वर जो है वो वहां पे है। देखिए बहुत एक प्रकार से चिंता की बात है आजकल की, जो मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तहत कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है। अब यूट्यूब या फिर जो फेसबुक है इनके अपने अपने पेज है ट्रेंडिंग के। अब देखिए ये ना ट्रेंडिंग के पेज से बहुत कुछ रेगुलेट कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूँ। देखिए आजकल जो कश्मीर का इशू है वो काफ़ी सुर्खियों में है, और काफ़ी इंस्टेबिलिटी अभी इन दिनों हो रही है कश्मीर में, पाकिस्तान द्वारा एलिमेंट्स है वहाँ पर इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो काइंड ऑफ अब यूट्यूब के पास में देखिए इतनी पावर है, मान लीजिए कश्मीर की कोई वीडियो यूट्यूब जानबूझ के, मतलब कोई ऐसी वीडियो जो इंडिया के अगेंस्ट में जाती हो और वो वीडियो यूट्यूब ट्रेंडिंग के पेज पे ले आए, क्योंकि आजकल तो लोग ट्रेंडिंग का पेज तो बहुत देखते हैं, या फिर फेसबुक ऐसी कोई पोस्ट को जो कश्मीर के एक प्रकार से इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ में हो उसको ट्रेंडिंग में ले आए, तो इंडिया का देखिए कितना नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है। तो ये सारी की सारी जो कंपनीज है ना, ये यूएस जैसी कंपनीज हैं, तभी तो जो चाइना जैसे देश हैं इनको बैन कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है, देखिए अंतिम बात जब आएगी ना, यूट्यूब और गूगल हो चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, ये यूएस के इंटरेस्ट को ही सर्व करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंतिम अगर बात आएगी तो यूएस के इंटरेस्ट को ये मानेंगे, क्योंकि वहीं की ये कंपनीज हैं। तो जब ही चाइना और जैसे दूसरे देश हैं कई बार बैन कर देते हैं ये यूट्यूब जैसी कंपनीज को, क्योंकि इंस्टेबिलिटी फैला सकते हैं ये, तो ये तो काफ़ी एक प्रकार से बहुत सेंसिटिव इशू है। वैसे ये ज़्यादा करते नहीं है, इनको पता है बिजनेस करना है यहाँ पे, लेकिन कभी भी कर सकते हैं, ऐसा इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो कई बार रेगुलेशन होना चाहिए। तो बाद में ये कहते हैं कि देखिए जो इनके सर्वर्स हैं वो सारे के सारे वहीं होने चाहिए और लोकल कुछ भी डेटा इनका स्टोर नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की मांग करते हैं जो डिजिटल कंपनीज हैं। और गवर्नेंस, बैंकिंग, हेल्थ, ये सारी चीज़ों में भी एक प्रकार से ये कहते हैं कि कुछ भी डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर में, सारा का सारा डेटा हमारे खुद के पास में रहना चाहिए, क्योंकि सारा डेटा इनके खुद के पास में रहेगा तो वह फिर वही ओनर होंगे। अगर मान लीजिए कुछ डेटा इंडिया में स्टोर होगा तो फिर भी इंडिया जैसे जो देश हैं वो नेशनलाइजेशन उस डेटा का कर सकते हैं, इसलिए वो चाहते ही नहीं कि इंडिया में किसी तरह का डेटा स्टोर हो। और तीसरी ये बात कहते हैं कि कोई अभी जो रेगुलेशन है वो है और फ्यूचर में किसी भी तरह की रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन चार डिमांड की मांग कर रहे हैं जो WTO की टास्क होने जा रही है, वहां पे इनकी मांगे जो हैं वो ये तीन चार हैं। अब बात क्या है, बात ये है कि देखिए ग्लोबल डिजिटल ट्रेड नेगोशिएशंस होने जा रही हैं, और जो देखिए वैसे तो इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है ना वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो हमारी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है ना वो बिजनेस टू बिजनेस प्रोवाइड करती हैं, बिजनेस टू कस्टमर्स हम बहुत कम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टाटा, इन्फोसिस, HCL, काफ़ी तरह के ये प्रोजेक्ट्स हैं वो लेते हैं बाहर की कंपनीज से, लेकिन कंपनीज से प्रोजेक्ट लेते हैं, हमारी जो डिजिटल कंपनीज जो हैं जैसे टाटा, इन्फोसिस, जो ये जितने भी कंपनीज हैं वो बिजनेस टू कस्टमर्स नहीं है, इसलिए काइंड ऑफ इनकी वो पावर नहीं है जितनी फेसबुक और जो यूट्यूब जैसी कंपनीज की पावर्स हैं। काइंड ऑफ रेवेन्यू तो काफ़ी जनरेट करती हैं। अब बात आती है कि देखिए ये कहते हैं कि इंडिया में काफ़ी सारे एंटरप्रेनर्स हैं, कैपेबिलिटीज़ भी उनकी काफ़ी ज़्यादा है, इवन जो फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल में इंडिया के ही हायर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सत्य नडेला की बात कीजिए माइक्रोसॉफ्ट में, या फिर जो सुंदर पिचाई की बात कीजिए, ये सारे जो लोग हैं इंडिया के हैं। तो एंटरप्रेनरशिप है इंडिया के अंदर में, डोमेस्टिक डिमांड भी है, तो क्यों ना इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो भी बाहर निकल के आए और इस तरह की बड़ी कंपनीज़ का निर्माण करे और अपनी कौशल को दिखाए। सबसे पहले तो इंडिया को ग्लोबल कमिटमेंट्स जो पूरी करने का जो प्रेशर है, जो अभी बात जो मांगे अभी हमने पढ़ी, जो ग्लोबल कंपनीज मांग कर रही हैं उनको एक प्रकार से अवॉइड करना चाहिए, और डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रेशर के आगे नहीं झुकना चाहिए। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, ये वो सेम बात अर्जेंटीना में December 2017 में ये बातचीत होगी, और ये जो इश्यूज आएंगे वो RCEP में भी आएंगे। RCEP में कौन है, 10 देश एशियन के हैं और प्लस में 6, तीन जो देश हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, फिर है चाइना, साउथ कोरिया, जापान, तो ये 16 देश हैं इसमें। और काइंड ऑफ इसमें भी RCEP में भी एक प्रकार से मांग होने लगी है कि इस प्रकार के इश्यूज को एड्रेस किया जाए। और बात ये है कि देखिए बहुत कम है, अगर इस तरह की बात अगर इंडिया मानता है, इनकी मांगों को मानता है कि इंडिया के पास में कुछ भी फायदा नहीं है और खोने को बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले तो हमें अपनी डिजिटल सॉवरेंटी इस्टेब्लिश करना होगा, और वही सेम बात है, डिजिटल राइट्स को पहचानना होगा, तभी उसको नेगोशिएट किया जा सकता है। चलिए अगला आर्टिकल आप डिस्कस करते हैं, क्या वाटर को प्राइवेटाइज करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तीनों व्यू हम डिस्कस करेंगे, लेफ्ट, राइट और सेंटर। देखिए सबसे पहले तो लेफ्ट का व्यू कहते हैं कि वाटर को कतई प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि वाटर को अभी रेगुलेशन में, मैनेजमेंट में काफ़ी तरह के लॉसेज हैं, इनएफिशेंसीज हैं, अनरिलायबिलिटी है, करप्शन, भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा है, क्वालिटी वो है वो अच्छी नहीं है, और मिसमैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, प्रबंधन अच्छा नहीं है वाटर का। तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि देखिए अगर लंबे टाइम तक वाटर को चलाना है तो वाटर को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए, और इन सभी जो पॉइंट्स अभी ये जो कारण है वाटर की, वाटर रिलेटेड सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस करने की आवश्यकता है जल्द से जल्द। ये कहते हैं कि वाटर सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, वाटर में जो जनता के जो राइट्स हैं वो वाटर से जुड़े हुए हैं, ये बेसिक आवश्यकता है लोगों की। प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए वाटर की मैनेजमेंट को, या फिर इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो वो तो सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोचेंगे, वो तो सिर्फ अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करने की सोचेंगे। और अर्बन वाटर सेक्टर की अगर बात की जाए तो देखिए
जो काफ़ी सारे जो काम होते हैं वाटर में, तो मान लीजिए देखिए सबसे पहले तो वाटर को, अब जैसे दिल्ली की एग्जांपल की बात की जाए तो दिल्ली को सबसे पहले ये देखना होता है कि पड़ोसी राज्यों से पानी किस प्रकार से लिया जाए, कब कौन सी नहर से पानी आना चाहिए और कैसे उनको पीने योग्य बनाया जाए और सीवरेज व्यवस्था को कैसे सुचारू ढंग से चालू किया जाए, कौन से एरिया में दिल्ली को कितना पानी दिया जाए। तो वाटर की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल लेयर्स हैं इसके अंदर में। और उसके बाद में देखिए अगर ये सारे काम करने हैं, जिसे अच्छे से मैनेज करना है, उसकी ऑप्टिमम हमें यूटिलाइजेशन करना है, तो हर एक लेवल पे जो ये मल्टीपल लेयर्स हमने डिस्कस करी, हर एक लेवल पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किए जाने की आवश्यकता है। और उसके लिए देखिए बात तर्क यह दिया जाता है कि अगर वाटर को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, और क्योंकि देखिए कंपटीशन हर एक चीज़ के लिए अच्छा होता है, ऐसा कई बार तर्क दिया जाता है। लेकिन जो ये वाटर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोल रहे हैं, ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कंपटीशन हमेशा अच्छा नहीं होता। पावर सेक्टर में को भी प्राइवेटाइज किया गया लेकिन यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं, और यहाँ की जो कंपनीज हैं उनकी मोनोपोली नहीं है, फिर भी वो पब्लिक ऑडिट को नहीं चाहते हैं अपनी अपनी कंपनीज के अंदर में। फिर ये कहते हैं कि देखिए निश्चित तौर पर यह तो बिल्कुल सही है कि जो वाटर को यूज़ करते हैं उनको इसके लिए पैसे चुकाने चाहिए, और यह बात सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है जो पैसा चुका पाने में सक्षम है। और फिर ये कहते हैं कि वाटर के अच्छे गवर्नेंस के लिए हमें अच्छी गवर्नेंस चाहिए, डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हमें चाहिए, और बॉटम अप अप्रोच चाहिए जिसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हो, लोगों का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप ऊपर से कुछ पॉलिसी बनाओ और नीचे आप उसको परकुलेट डाउन करो, होना ये चाहिए कि कम्युनिटी अपने हिसाब से वाटर का यूज़ करे और बाद में गवर्नमेंट है काइंड ऑफ एक आप परसेप्शन लेके फिर बाद में वाटर को मैनेजमेंट करे, इस प्रकार की पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। चलिए अब पक्ष में बोलते हैं क्यों वाटर को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट जो है वो कस्टोडियन है वाटर का जनता की तरफ से, और लेकिन इतने सालों के बावजूद जो ट्रस्टी है यानी गवर्नमेंट जो है वाटर को अच्छे से गवर्न नहीं कर पाई है, अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल कर पाने में सक्षम नहीं हो पाई है गवर्नमेंट जो है। 50% जो है वो वाटर है उसका रेवेन्यू नहीं आ पाता, वाटर की जो सप्लाई रहती है वो काफ़ी इरेगुलर रहती है, घंटों तक लाइनों में दूर दराज के गांवों में घंटों तक लाइनों में लगना पड़ता है। इवन जो मीटरिंग है वाटर की वो भी सिर्फ 4% तक हो पाई है। वाटर का वेस्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, सीवरेज अगर वाटर की बात की जाए तो अच्छे से इसका रीयूज नहीं हो पाता, इसको फिर से क्लीन वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाता, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास में, यानी कहने का मतलब है काफ़ी तरह के रोग भी इससे होते हैं। अगर इसी वाटर को जो बाद में एग्जाम्पल भी देते हैं नागपुर का, ये नागपुर के एग्जाम्पल में कहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो वाटर को थोड़ा बहुत लिमिटेड रूप से प्राइवेटाइज किया गया और जो एक प्राइवेट कंपनीज के द्वारा में एक सीवरेज प्लांट बनाया गया और काफ़ी फायदे इसके हुए, अब वाटरबॉर्न जो डिजीज हैं वो नहीं होते जो प्लांट लगने से, और वाटर जो है अच्छे से इसका यूज किया जा सकता है और डेली लाइफ में काफ़ी और भी काफ़ी तरह के फायदे होते हैं अगर सीवरेज वाटर को एक प्रकार से अच्छे से ऑपरेट किया जाए तो। अगर इस तरह के प्लांट्स कई जगह पर लगाए जाते हैं तो आने वाले 25-30 साल में इस प्रकार से वाटर की जो समस्या है वो नहीं होगी। तो फिर ये कहते हैं इसके लिए देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का होना आवश्यक है, और एक पी और भी इसमें ऐड होना चाहिए वो है पीपल, यानी 4 P होने चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, यानी लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन इसका होना चाहिए। नागपुर का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया अभी, तो इसलिए कहते हैं कि एक बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंस है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो वाटर की सर्विस है अच्छी से की जाए और सभी लोगों के पास में वाटर पहुँचे। और जनरेशंस देखिए बीत गई हैं लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो साफ पानी को अवेल कर पाने में सक्षम नहीं है, पीने योग्य पानी उनको नहीं मिल पाता, तो इसके लिए प्राइवेटाइजेशन एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जिससे वाटर को सहेज के रखा जा सकता है और सभी लोगों तक प्रोवाइड इसे किया जा सकता है। अब हम लास्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, सेंट्रल जो ये व्यू है, ये कहते हैं कि देखिए वाटर तो ऑलरेडी प्राइवेटाइज्ड हैं, कैसे ये कहते हैं, देखिए आज भी जो हमारे देश में है ब्रिटिश टाइम के लॉज हैं, और ब्रिटिश टाइम के लॉज ये कहते हैं कि देखिए लैंड जिसके पास में भी है और वो उस लैंड का यूज करके समरसीबल लगा के या फिर जो है नलकूप खोद के नीचे से पानी को निकाल सकता है, और अगर किसी का लैंड है तो वहाँ पे इस प्रकार का कोई समरसीबल या फिर ट्यूबवेल लगाया जाता है तो उस पानी पे उसी पर्सन का हक होगा। तो आज भी हम उसी तरह के कानून को फॉलो करते हैं, तो इससे तो ग्राउंड वाटर देखिए बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोइट किया जा सका है और काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन चलता है फार्मर्स के बीच में कई जगह पर कि आपस में कौन ज़्यादा पानी निकालेगा, तो इससे जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ख़त्म हो गया है, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल्स है वो काफ़ी नीचे चला गया है। 1970 में ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ था तो आज बहुत एक प्रकार से दयनीय स्थिति है ग्राउंड वाटर लेवल्स की। उसके बाद में क्या है,
उसके बाद में देखिए, ना सिर्फ वाटर लेवल कम हो रहा है बल्कि जो क्वालिटी है वो भी डाउन हो रही है। पंजाब के वाटर में आपको यूरेनियम देखने को मिलता है, बंगाल में आर्सेनिक देखने को मिलता है। तो ये जो कंपटीशन है वो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन एक्सट्रैक्शन है, यानी म्यूचुअल, जो आप कई बार वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, इस प्रकार से पानी का नीचे से यूज करना, कॉम्पिटिटिव एक्सप्लोटेशन करना, वो भी काइंड ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिशन है। केरला का एग्जाम्पल देते हैं, केरला में तो कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जाइंट्स जो हैं वो लोकल लोगों को वाटर यूज करने से रोक रही हैं। और इवन देखिए, अब ये पॉसिबल नहीं है, आप देख नहीं सकते किसने अपने घर में ट्यूबवेल लगाया हुआ है, किसने अपने खेत में ट्यूबवेल लगाया हुआ है, तो आप देख नहीं सकते। स्टेट जो है उनको एक प्रकार से इस तरह से अब ऑपरेट नहीं कर सकता, रेगुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर अब ये समस्या फैल चुकी है। तो अब एक सोल्यूशन ये निकलता है कि कॉमन पूल रिसोर्सिंग होनी चाहिए वाटर की। एग्जाम्पल देते हैं आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के एक एरिया की बात करते हैं जहां पे फार्मर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि देखिए हम वाटर का इस प्रकार से एक ट्यूबवेल से एक्सप्लोइट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आने वाले जनरेशन के लिए पानी नहीं बचेगा। और भी उन्होंने काफी तरह के डिसीजन लिए मिलके कम्युनिटी बना के कि वो क्रॉपिंग का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से रखेंगे कि वाटर का जो इस्तेमाल है वो कम से कम हो। इसके अलावा ये नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ की भी बात करते हैं, और वाटर कहते हैं वाटर एक कॉमन हेरिटेज है और इंडिया के लोगों की है। और लास्ट में एक लाइन और भी बोलते हैं, ये कहते हैं कि देखिए जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है, जैसे वही सेम बात कि जो स्टेट जो है वो एक प्रकार से ट्रस्टी है और स्टेट को जिम्मेदारी दी गई है कि वो वाटर को रेगुलेट करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही तर्क दिया था। तो प्राइवेटाइजेशन एक सोल्यूशन नहीं है वाटर की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का, तो बस यही ये कहते हैं। अच्छा आर्टिकल था, काफ़ी सारे पॉइंट्स है, आप अपने आंसर्स में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला जो आर्टिकल है वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच का आर्टिकल है। क्या है इस आर्टिकल में, ये कहते हैं कि देखिए ट्रेडिशनली इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ इकोनॉमिक और कल्चरल मुद्दों पर एक प्रकार से अपने संबंधों को आगे बढ़ाया है, और आज यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो हैं काफ़ी सारे ऐसे बहादुरी भरे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो रिलेशन है उसको स्ट्रेटेजिक डायमेंशन मिलेगी, इनकी पार्टनरशिप को एक प्रकार से नया आकार मिलेगा, नया रूप मिलेगा। और इस हफ्ते फेडरिया मोग्रेनी, एक प्रकार से यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए, ये हमारे देश की विजिट पे आ रहे हैं और ये कई मुद्दों पर डायलॉग रखेंगे इंडियन इस्टेब्लिशमेंट से, जैसे कि चेंजिंग ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स, और काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो वर्ल्ड व्यूज़ हैं वो काफ़ी सेम हैं। और रेयरली देखिए, लेकिन हुआ व्यूज़ तो हमारे सेम हैं, लेकिन प्रॉपरली देखिए हमने काफ़ी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कोऑपरेशन किया नहीं इन मुद्दों पर। तो आज इस बार जो विजिट है वो एक मौका है काइंड ऑफ, इससे हम अपने रिलेशंस को नई डायमेंशंस दे सकते हैं। काफ़ी कारण रहे कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काफ़ी तरह के इश्यूज़ रहे, और हमारे जो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे भी हमारी जो पोजीशंस थी वो अलग अलग थी। इवन इंडिया रशिया के मुद्दे पे भी इंडिया ने अलग पोजीशन ली, जिस प्रकार से रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था तो इंडिया ने इसका विरोध नहीं किया था, जबकि यूरोपियन यूनियन ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तो पहले जो थी हमारी काफ़ी सारे कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसमें हमारी जो डायमेंशन थी वो सिक्योरिटी कन्वर्ज नहीं कर पा रही थी। अब देखिए कहते हैं कि रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं जिससे काफ़ी ऑप्टिमिज्म मिला है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ब्रुसेल्स की यात्रा पर गए थे जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है, और उसमें देखिए काफ़ी रिजम्पशन की बात हुई थी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो समिट पहले हर साल होता था लेकिन रुक गया था पिछले 4 साल में, ये नहीं हो पा रहा था, तो इससे फिर से चालू करने की बात हुई, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोकस हुआ कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन किया जाए और काउंटर टेररिज्म पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन की जाए। ये सारी जो बातें हुई तब हुई थी जब हमारे प्रधानमंत्री यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय ब्रुसेल्स की विजिट पर गए थे। तो प्रिंसिपल प्रैग्मेटिज्म है अभी यूरोपियन यूनियन इस बात को समझती है। उनकी एक नई जो रिपोर्ट आई है, न्यू उनकी ग्लोबल स्ट्रेटजी है, उसमें उन्होंने साफ साफ सिग्नल दिया कि एक डायरेक्ट कनेक्शन है यूरोपियन की प्रोस्पेरिटी के बीच में, यूरोप की प्रोस्पेरिटी के बीच में और एशिया की सिक्योरिटी के बीच में। क्योंकि देखिए मान लीजिए एशिया अगर सिक्योर नहीं होता है तो यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जाती है। तो सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव क्या है, हमें देखिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कन्वर्ज करनी चाहिए, और इसके लिए हमें काफ़ी कुछ कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, कॉमन प्रैक्टिसेस अपनाने की आवश्यकता है। और जैसे अगर ये बात करते हैं शेयर एक्सटेंडेड नेबरहुड की, काफ़ी जो ऐसे हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं या फिर एक्सटेंडेड नेबरहुड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर, जैसे इस्तांबुल से इस्लामाबाद या फिर मॉस्को से मॉरिशस, यहाँ पे सिक्योरिटी लाने की आवश्यकता है। और इन सभी जो मसले हैं और यूरोपियन आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन को आवश्यकता है अभी न्यू दिल्ली की, और न्यू दिल्ली को आवश्यकता है यूरोपियन यूनियन की। शुरुआत ये कर सकते हैं अफगानिस्तान से, और लॉजिकल पॉइंट एक प्रकार से बातचीत हो सकती है अफगानिस्तान के मुद्दे पर, किस प्रकार से वहाँ पर स्टेबिलिटी लाई जाए, और इस मुद्दे पर फ्रिक्वेंटली कंसल्टेशन की आवश्यकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन को।
फिर ये चाइना पे भी एक प्रकार से कन्वर्जेंस की बात करते हैं। चाइना ने बहुत ज़्यादा डोमिनेंस अपनी हासिल कर ली है काफ़ी सारे रीजन्स में, और यूरोप में भी वो अपनी डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे वो प्रोजेक्ट जैसे वन रोड वन बेल्ट का प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट चाइना वहाँ पर कर रहा है। और उसके बाद में वो ये कहते हैं कि देखिए 16+1 यानी ईस्ट यूरोप के देशों के साथ में भी चाइना अपने जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो काइंड ऑफ इंडिया भी यही चाहते हैं, इंडिया भी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना के कंटेनमेंट चाहता है। यूरोपियन यूनियन भी एक प्रकार से चाइना के ऊपर में डिपेंड नहीं होना चाहता एक लेवल के बाद में, जबकि चाइना तो देखिए चाइना की पॉलिसीज हमेशा से यही रहती है कि डिपेंडेंस क्रिएट कर दी जाए ताकि बाद में उस देश को ब्लैकमेल कर दिया जाए। जैसे श्रीलंका को चाइना ने डेट ट्रैप में फंसा लिया था और काफ़ी सारा लोन अभी श्रीलंका को चुकाना है चाइना का, तो चाइना जो श्रीलंका जो है वो डिपेंड हो गया है चाइना के ऊपर एक प्रकार से, और यूरोपियन यूनियन ऐसा कतई नहीं चाहता। तो यूरोपियन यूनियन को एक प्रकार से सीरियस डायलॉग इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, और बाद में उसको वो भी यूरोपियन यूनियन भी यही चाहता है कि जो यूरेशियन कनेक्टिविटी है उसको एक प्रकार से सही डायमेंशन दी जाए। वे फॉरवर्ड में क्या है, वे फॉरवर्ड में यार के देख इंडिया यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है उनके सिमिलर स्टेक्स हैं इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी को लेके, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लिबरल ऑर्डर इन सभी चीज़ों को लेके भी उनके जो इंटरेस्ट है काफ़ी कुछ सेम है। अगर देखिए वो एक्सपेंड कर पाने में सक्षम हो जाते हैं तो वो कई जैसे क्लाइमेट जैसे मुद्दों पर उन पे भी एक प्रकार से उनको महसूस होगा कि बाद में जो लार्जर इंटरेस्ट हैं क्लाइमेट जैसे मुद्दे जैसे ट्रेड जैसे मुद्दे स्पेस जैसे मुद्दे यहाँ पे भी इनके इंटरेस्ट जो हैं वो कन्वर्ज करेंगे। तो बस यही है, और आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।